होंडा का एक्टिवा 6G बेसिक स्कूटर है ये अपने पास अभी। आज रिव्यू करने वाले इसी स्कूटर का और देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ नए फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको होंडा इकोथ्रस्ट टेक्नोलॉजी और साथ ही यहाँ पर BA6 मेंशन किया हुआ है और एक्टिवा यहाँ पर 3D में लिखा हुआ मिल जाता है और 6G यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके डिजाइन से, तो डिजाइन आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये स्कूटर एक्टिवा BA6 है, ये 6G स्कूटर। फ्रंट से बात कर लेते हैं डिजाइन की, यहाँ पर आपको LED सेटअप देखने को मिल जाता है इसमें और LED हेडलाइट इसमें देखने को मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर इसके दोनों साइड में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर फ्रंट में और कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ ये डिज़ाइन देखने को मिल जाती है इसमें जो कि इसके लुक को थोड़ा इन्हेंस करती है। फ्रंट में बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं और साथ ही यहाँ पर दोनों साइड में रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। टायर की बात कर लेते हैं तो आगे इसमें 90x90 का 12 इंच का टायर देखने को मिल जाता है। पीछे वाले टायर की बात कर लेते हैं, इसमें आपको पीछे 90x100 का 10 इंच का टायर देखने को मिल जाता है। इसमें आगे 12 इंच का और पीछे 10 इंच का टायर देखने को मिल जाता है। स्टील रिम के साथ आता है स्कूटर। आगे और पीछे स्कूटर में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही बात कर लेते हैं कुछ साइड प्रोफाइल से, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ये राइट साइड से। स्विच की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ये रहा इसका इग्निशन और यहाँ पर सारे सिस्टम इसमें देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से बाहर इसमें फ्यूल और सीट का ओपन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इसमें जैसे इसको एक बार घुमाते हैं फिर इसको एक बार और घुमाते हैं तब ये ऑन होता है। और यहाँ पर बीच में रहने पर यहाँ से आप इसकी सीट को ओपन करते हैं। इसको जैसे अपन ने प्रेस किया और यहाँ पर ये सीट ओपन हो गई इसकी। और फ्यूल लीड को ओपन करने के लिए इसको यहाँ से ऊपर की ओर दबाना पड़ता है और यहाँ पर ये पीछे फ्यूल लीड ओपन हो जाती है और यहाँ से हम पेट्रोल बाहर से ही फिल करवा सकते हैं। इसमें 5.3 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। इसमें 110cc का इंजन देखने को मिल जाता है जिसमें कि 7.79 PS की पावर और 8.79 PS का टॉर्क देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बीच में स्पेस की बात कर लेते हैं तो कुछ इतना स्पेस मिल जाता है इसमें बीच में जो कि स्कूटर के हिसाब से काफ़ी सही है। और सीट देख सकते हैं आप इसकी कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है, दो व्यक्ति आराम से इसमें बैठ सकते हैं। स्विच की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इसमें ये इंजन स्टार्ट स्विच और यहाँ पर ये इंजन किल स्विच दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही इस साइड में आपको लो बीम हाई बीम और साथ ही ये यहाँ पर पास स्विच भी देखने को मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर का स्विच और यहाँ पर हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है। इसमें यहाँ पर ये होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है और साथ ही इसमें आपको फुली एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है जिसमें कि यहाँ पर ये हाई बीम की लाइट और यहाँ पर ये इंजन चेक लाइट देखने को मिल जाती है। जैसे ही स्विच को घुमाते हैं तो यहाँ पर ये ऑन हो जाती है और यहाँ पर ये दोनों साइड में टर्न इंडिकेटर के इसमें देखने को मिल जाते हैं लाइट्स। मीटर कंसोल में इसमें आपको PGM FI फ्यूल इंजेक्शन की यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और साथ ही यहाँ पर ये इकोनॉमी लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पर ये किलोमीटर वगैरह आते हैं और कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है स्कूटर। इस स्कूटर में साइलेंट स्टार्ट SAG मोटर आती है जिससे कि ये स्टार्ट होता है तो इसमें इतनी आवाज़ नहीं आती है। जैसे इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये जैसे ही ऑन होता है तो इसमें इसकी आवाज़ इतनी नहीं आती है। और यहाँ पर स्कूटर की आवाज़ को देख लेते हैं कैसी आती है इसकी आवाज़। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।